गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और गाइस, मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉगिंग के लिए सोच रहा था, लेकिन फर्स्ट ब्लॉग अपना शूट नहीं कर पा रहा था। फाइनली आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गाइस, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप पूरा इसको इन्जॉय कर सको। गाइस, हम आए हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे चारों साइड में आप देख सकते हैं एक डीप जंगल है, जो कि काफ़ी यहाँ पे आने के बाद काफ़ी अच्छा और सुंदर लगता है। और गाइस, इस टाइम पे हम एक ऐसे लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत बंगला देखने को मिल जाएगा। इसकी खासियत ये है गाइस कि ये काफ़ी इनसाइड फॉरेस्ट है, जंगल के ये काफ़ी अंदर है, जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा। ये आप देख सकते हैं, ये इस बंगले का गेट है जहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। और आप आगे देखेंगे, जैसे आगे आप जाएंगे आपको एक खूबसूरत सा बंगला देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको मैं फ्रंट कैमरे से दिखा दे रहा हूँ। कुछ ही इस टाइप से है गाइस, और ये यहाँ पे देखने पे काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसकी खासियत ये है कि ये एकदम जंगल के बीचों बीच में है। आप देख सकते हैं इसके चारों साइड में आपको जंगल देखने को मिल जाएगा, और लगभग ये 2 किलोमीटर अंदर है जंगल के। और यहाँ पर इस टाइप का कुछ आपको बैठने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी कोई सुविधा नहीं है बैठने की, क्योंकि गाइस यहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। इस वजह से इस पर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह पड़ गई है, और लेकिन देखने में काफ़ी आपको सुंदर सा यहाँ पे जो माहौल है, सुंदर सा माहौल देखने को मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बंगला बना हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जो कि मतलब जंगल की रखवाली करते हैं, उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों की कुछ आस्था है, जो यहाँ पे पूजा पाठ करने वगैरह आते हैं। और ये जो बंगला है आप देख सकते हैं, ये आपको बैक साइड का व्यू है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे गाइस कोई है नहीं, और यहाँ पे पूरे पानी उनी की टंकी लगी है, और ऊपर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे रहने के लिए आपको पूरा इनफ है। इस टाइप का है कुछ, और आप देख सकते हैं गाइस ये बंगला जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा डीप जंगल में है यार। अगर आप यहाँ पे आओगे आपको बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कभी आ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे आने के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये मधवलिया रेंज का जंगल है, और यहाँ पे आने पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये पूरा आपको एक नेचुरल सा व्यू मिल जाएगा जहाँ पर आप इसको इन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मोटर राइडिंग। यहाँ से हमारी मोटर राइडिंग शुरू होगी, और हम डीप जंगल में अंदर तक जाएंगे और इस पूरे नेचर का हम इंजॉय। हम्मागढ़ के नाम से जाना जाता है, और इस गांव के बाद ही आपको जंगल में एंट्री मिल जाएगी, जो कि कुछ इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। और अगर आप आगे जाएंगे गाइस, तो आपको यहाँ पे बरसात में मत आइएगा, क्योंकि बरसात में जो है पूरा ये जंगल पूरा पानी से भरा रहता है, जिसकी वजह से आप यहाँ का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे और मच्छर वगैरह ज़्यादा लगेंगे। और अगर आप अदर सीज़न में आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के आपको यहाँ पे पेड़ देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि शीशम सागौन, और जो कि यहाँ की सबसे मतलब मेन लकड़ी है वो है यहाँ पे साखू, जो है वो काफ़ी मजबूत भी मानी जाती है। और ये जो लकड़ी पाई जाती है केवल जंगल में ही पाई जाती है, आपको बाहर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप का कुछ माहौल है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर गाइस जो गाँव के लोकल लोग हैं, यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, और ये अपना इसी से खाना वगैरह जो भी बनाना रहता है बनाते हैं। जंगल साइड में गैस वगैरह ज़्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, इसी लकड़ी से ही खाना बनाते हैं जंगल एरिया में, और इजीली यहाँ पे पर्याप्त भी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जंगल एरिया में आपको मिल जाता है आसानी से सूखी लकड़ियाँ जो ज़मीन पे गिरी होती हैं वो मिल जाती है। लेकिन आप पेड़ नहीं काट सकते, और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको जहाँ तो कहीं पेड़ वगैरह ना काटें। वैसे तो सूखी लकड़ियाँ भी इलीगल है ले जाना, लेकिन लोग ले जाते हैं और कोई इशू नहीं आता। आप देख सकते हैं गाइस, आप एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको हमारी ये राइड पसंद आ रही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, आप सामने देख सकते हैं तो लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं जंगल से, और ये कोई ज़्यादा इलीगल नहीं है, ये पतली लकड़ियाँ है जो सूखी लकड़ियाँ लोग लेके आ रहे हैं।
और मोटी लकड़ी यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह नहीं काटता है, जो कि पर्याप्त मिल जाता है, नीचे से ही लकड़ी मिल जाता है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं जंगल एरिया, इस साइड में पूरा आपको सागौन का पेड़ देखने को मिलेगा, लेकिन आगे अगर जैसे आप बढ़ते हैं आपको जामुन का और इसमें साखू का पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक रहा है, यहाँ पे अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पे अगर बाइक से आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम इस लकड़ी के पुल से बाइक को आसानी से क्रॉस कर रहे हैं, और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फोर व्हीलर से आएँगे आप तो आपको दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। मुझे नहीं पता कि कितना दिक्कत होगा, क्योंकि पुल टूट भी सकता है और आपको फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से आपको रोका भी जा सकेगा। इस जंगल में आने के बाद मुझे एक अच्छा सा व्यू पॉइंट मिला है, जो कि काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लग रहा था, इस वजह से मैं इस पॉइंट पे रुका और मैं सोच रहा था कि क्यों ना ये पॉइंट आप लोगों को दिखाया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का नदी है जो यहाँ से निकल रहा है, और ये मतलब लकड़ी का पुल बना हुआ है जहाँ से लोग अपना आते जाते हैं, और ये काफ़ी मतलब अच्छा लोकेशन था, और पूरा यहाँ पे नेचुरल सीनरी है जो कि कुछ इस टाइप से था, जो मुझे लग रहा था कि आपको ये व्यू ज़रूर से दिखाना चाहिए था, इसलिए मैं इस लोकेशन को आपके लिए कैमरे में कैद कर लिया। और आई होप ये लोकेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप का है। चलिए हम नीचे चल के भी आपको दिखा देते हैं, तो नीचे चलते हैं जहाँ से आपको पुल का नीचे का पूरा हिस्सा दिखाई देगा, जो कि पुल किस टाइप से कंस्ट्रक्शन इसका किया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद पुल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से करा गया है, जो कि आप नीचे हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। चलिए मैं बैक कैमरे से इसको आपको दिखा दे रहा हूँ कि पुल का कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करा गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से पाए लगाए गए हैं, जो कि लकड़ी से ही बनाए गए, टोटली इसमें किसी भी तरीके की कोई लोहे का यूज नहीं किया गया है, ये टोटली लकड़ी से बनाया गया है, और इसके नीचे से पानी बह रहा है, फिर भी ये लकड़ी इतना मजबूत है कि काफ़ी आसानी से टिका हुआ है। और यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको यहाँ का व्यू देखने को मिल जाएगा। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यार ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो आई होप कि मैंने अच्छा ब्लॉग बनाया है और आपको पसंद भी आया होगा ब्लॉग। अगर ब्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थोड़ा तो सपोर्ट बनता है यार, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है तो मैंने बेस्ट अपना करने की कोशिश करी है, और आई होप मैंने बेस्ट करा भी है, और आने वाले टाइम में मैं और इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग डिलीवर करता रहूँगा। तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।